दूध ढकने वाली छन्नी हो या चाय छानने वाली छन्नी हो, सबकी एक ही कहानी है। हर बार नई लेकर आओ और 2 महीने के अंदर उन्हें रिजेक्ट कर दो, फिर से नई लेकर आओ। तो इससे बचने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा तरीका इन छन्नियों को एकदम नए जैसे चमका देने का। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितु, टेस्टी एंड हेल्दी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बताते हैं। गैस को ऑन करके उसके ऊपर छलनी को गोल गोल घुमाते जाइए, उसकी लौ से वो तपती जाएगी और जो भी गंदगी है वो धुआं बन के निकलती जाएगी और छलनी एकदम साफ हो जाएगी, ऊपर से ही एकदम क्लीन दिखने लगेगी। इसी तरह से घुमा घुमा कर पूरी छलनी को आग से तपा दीजिए तक कि वो पूरी तरह से साफ ना हो जाए। देखिए ये अब पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। इसी तरह से चाय छानने वाली छलनी को भी हम गैस पे रखकर आग से तपाकर उसकी सारी गंदगी को साफ कर देंगे। इसे अच्छी तरह से घुमा घुमा कर आग पर तपा देंगे। जहाँ ज़्यादा गंदी है उस तरफ इसे ज़्यादा देर आग पर रखेंगे ताकि इसकी गंदगी जो अंदर घुसी हुई है वो अच्छी तरह से जलकर निकल जाए। अब हमारी छलनी एकदम साफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा गंदा जो है वो कॉर्नर में लगा हुआ है। तो इसे साफ करने के लिए हम एक बर्तन में गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच कोई भी डिटर्जेंट डाल देंगे और 1 लेमन स्क्वीज कर देंगे। और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देंगे, लगभग 1/2 टीस्पून, और इस पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर ये जो छलनी हमने आग पर तपाई है उन छलनियों को हम इस पानी में 15 मिनट के लिए डिप करके रख देंगे और उसके बाद कोई स्कॉच ब्राइट या कोई ब्रश लेकर उसे अच्छी तरह से घिसेंगे। अच्छी तरह से घिसने के बाद फिर एक बर्तन में साफ पानी लेकर इन्हें धो लेंगे और धोकर अच्छी तरह से झाड़ कर इसका पानी निकाल देंगे। देखिए हमारी छलनी कैसे चमक गई है, एकदम नई जैसी हो गई है। इसी तरह आप भी अपने घर की सारी गंदी छलनियों को साफ करके देखिए। और मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।